वेलकम राइज। आज हमारा 14th September 2023 और आज हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट है। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हमने अपना वर्कआउट का जो है सर लाइट रहेंगे, क्योंकि हमने कल सुबह मॉर्निंग पे वर्कआउट करने आना है, तो उसके हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान करेंगे आज। बाकी एक्सरसाइज वाली वही सेम रहेंगे, बाकी जो उनकी इंटरेस्ट चाहिए मैक्स लोड पर पूछने करेंगे, ठीक ठाक वेट से चलेंगे आज वर्कआउट पर। एंड कल हमारा बैक एंड बाइसेप्स है, तो मॉर्निंग पे आएंगे और वो हिट करके जाएंगे। और जस्ट अभी हमारे कॉलेज पे कल फ्रेशर है ना, तो इसलिए मॉर्निंग में आ रहे हैं ताकि हम शाम को इन्जॉय करें वहाँ पे। वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए ना यार बॉडी एकदम हो रही है यार। सही है, डाइट में बहुत फोकस करना है यार। इस हफ्ते डाइट हमारी थोड़ी सही से नहीं चल रही है, तो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस अगर कम भी होगी ना तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही आएगा। मैं पास पास रख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे माइक भी ना, माइक से आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा नज़दीक रख के बोलना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, इसका भी हम थोड़ा सा जल्द से जल्द सलूशन ढूंढेंगे और एक अच्छे माइक के साथ सही से रिकॉर्ड करेंगे, दूर से भी चलेगा। ट्राइसेप्स पे पहले चेस्ट पे देन ट्राइसेप्स पे, और डंबल प्रेस पे हम थोड़ा सा आज एक कर सकते हैं कि हम थोड़ा हल्का 35 kg पुश करेंगे आज, क्योंकि हम लोग बेंच प्रेस ज़्यादा हाई टॉप लोड पे नहीं जा रहे हैं, तो हम डंबल प्रेस पे ही कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा वार्म अप शुरू सही। मैं 6:15 पे आया हूँ एंड जब से हमारा वर्कआउट स्टार्ट होगा 6:30 से होगा मुझे लगता है। मैंने देखा है कि अगर तुमने बॉडी पे सही से वार्म नहीं किया ना, तुमसे बैंक करीब 50 kg भी नहीं उठेगा ढंग से। 50 kg मेरा वार्म अप है, उसमें वार्म अप सेट सही से लग नहीं रहा है। तो भैया तो ऐसा है कि अच्छे से वार्म अप करो बैंकर पहले बॉडी पे, उसके बाद ही लिफ्ट करो, नहीं तो इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई। तो अब मैं दोबारा से एक सेट और मारूँगा 50 kg से वार्म अप सेट, और बॉडी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। देन उसके बाद जाएंगे हम लोग एक्चुअल 3 सेट पे जो हमारे वर्किंग है 70, 80, 90। ठीक है, चल करो। आज के वर्कआउट सेशन पे हमने 3 सेट मारे हैं, जिस पर हमने 65, 75, 80 kg हमने पुश किया। आज लग ही नहीं रहे यार, मैक्स 10-10 रेप निकले हैं हर सेट पे। कोई नहीं भाई, लग क्यों नहीं रहे, एक तो मैं क्रिएटिन कंज्यूम करके लाया नहीं हूँ, जिस कारण से मेरी स्ट्रेंथ पर थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। 2 दिन से मैंने क्रिएटिन लिया है, यानी इस हफ्ते टोटल मैंने 3 दिन क्रिएटिन नहीं लिया है, 4 दिन के वर्कआउट शेड्यूल पर केवल 1 दिन लिया है क्रिएटिन, और उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पे मेरे। क्रिएटिन कंज्यूम करने से ना 1-2 रैप्स हमारे बढ़ जाते हैं, और आज वही 1-2 रैप कम हो रहे हैं, लेकिन इसमें फेलियर तो जा रहे हैं हम लोग 10-11 रैप्स में। अब इंक्लाइन करेंगे उसके बाद, अब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो, आज के वर्कआउट सेशन में मेरा जो मेन फोकस हो रहा है ना, मैं किसी भी वेट को चेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ मैं किसी मतलब जो भी मैं मसल हिट कर रहा हूँ उस पर सही से कॉन्ट्रैक्शन आए, उस पर अच्छे से प्रेशर पड़े ताकि एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। और पंप के पीछे भी नहीं जा रहा हूँ, एक मतलब जो होता है ना कि तुम्हें जो फोकस करना है कि मसल टारगेट को हिट करना है मसल माइंड करने के साथ, उसी टेक्निक पे फोकस कर रहा हूँ। बस हमारे इंक्लाइन पर आ गए हम लोग, अभी जो पहले वार्म अप सेट लिया है, अब हम करेंगे 3 सेट इसके, वेट थोड़ा सा इंक्रीज करिए और जैसे मैंने बोला है मसल माइंड कनेक्शन वही बना के रखेंगे पूरी। तुम कॉन्टैक्ट सन चेस्ट पे से लेना है, अपर चेस्ट पे। ठीक है, चल करो।
तक अपनी लास्ट एक्सरसाइज है। अब सही फॉर्म में करता हूँ पूरी दोनों तरफ से। सात साल में ट्राई सुधर ट्रेन करूँगा अपने। चलो यार, हाँ आज का वर्कआउट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ट्राइसेप्स की दो चार एक्सरसाइज थी, चेस्ट की तीन चार एक्सरसाइज। मेरी मसल्स दर्द हो रही है क्योंकि क्या बहुत जल्दी पंप के पीछे मत भागो यार, प्रोग्रेस करो प्रोग्रेस। चलो यार वर्कआउट ज़्यादा हो गया मुझे। देखो इस बंदे को मिलो, ये मान से चाउमीन मोमो खाने आया सर शाम को दुकान किसके है। लॉर्ड को देखो लॉर्ड, इसका पेट ऐसे बाहर निकल रहा है, खाएगा चाउमीन मोमो। फिटनेस को बाबा जी का फिटनेस। अभी जिम करके आया तू, तेरे हाथ में कैसे लगी है? बड़े लोग यार, गॉड भरत गॉड आया हमारे रूम आज। तेरा लगा सारे। चलो यार घर आ गए, अब कल अब भी जल्दी से सोते हैं डाइट लेने के बाद, क्योंकि कल हमने फ्रेशर में जाना है। यार क्यों इसका डांस है, इसका फ्रेश का डांस नहीं है, ये तो नल्ला है, नल्ला नहीं है भाई। सुबह 9 बजे कॉलेज जाएंगे, उससे पहले हमने जिम जाएंगे, और जिम जाना है तो इसलिए हमें टाइम से सोना है, डाइट लेते हैं इसलिए सोते हैं ताकि अच्छी से रेस्ट मिले और सुबह मॉर्निंग पे दोबारा से वर्कआउट को हिट करें। टिल देन टेक केयर, ये व्लॉग कल सुबह से दोबारा स्टार्ट होगा यहाँ से आगे। हाँ क्या आता सालों।